ग्वालियर से है जहां एक फौजी की पत्नी को पुलिस के सामने ही सड़क पर पीटा गया। महिला अपने भाई को गुंडों से बचाने के लिए पहुंची थी। उसका आरोप है कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिया और उतारने की भी कोशिश की, धमकाते हुए कहा कि तेरा यहीं रेप करेंगे। आपको बता दें कि महिला ने बताया कि जब वो थाने में शिकायत करवाने पहुंची तो पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। महिला 4 महीने से गर्भ से भी बताई जाती है। वहीं महिला अब SSP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। जीवाजीगंज की रहने वाली महिला बहोड़ापुर के सिंधिया नगर में रहने वाले अपने भाई के पास आई हुई थी। उसके भाई के पड़ोस में रहने वाले साले अनिल राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत और उनके पिता हाकिम सिंह राजपूत के साथ विवाद हो रहा था। महिला का कहना है कि ये तीनों और इनके साथ ही भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। जब वो बचाने के लिए पहुंची तो भाई ने भाग कर एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि 4 से 5 युवकों ने उसे घसीटते हुए बीच सड़क पर ले गए, जहां कपड़े उतारने की भी कोशिश की, रेप कर हत्या करने की भी धमकी दी है। वो उनके चंगुल से छूटी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिसकर्मी घर आए तो आरोपियों ने पुलिस के सामने भी मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने वसूली का वीडियो दिखाकर कार्रवाई की मांग की है। CSP नागेंद्र सिंह ने कहा है कि बहोड़ापुर के सिंधिया नगर में मारपीट हुई थी, जहां दोनों ही पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर महिला ने ऐसा कोई वीडियो दिखाया है तो उसके आधार पर जाँच कर धाराओं में इजाफा कर कार्रवाई की जाएगी। उसने मेरे को पकड़ के और मेरे से बोलने लगा कि तेरा मैं यहीं रेप करूंगा, मेरे को कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े उतारने लगे, तब जाके और मेरे को इतना मारा भैया, मेरे पेट पे कूद कूद के पैरों से लात मारी हैं, घूसे मारे हैं, और फिर भी मैंने उनसे बोला मैं पेट से हूँ, तब भी उन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरी, और बोलते हैं तुझे यहीं पे आज मैं सब दुनिया के सामने नंगा करूंगा और यहीं तेरे साथ गलत काम करूंगा। तो परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया, नजदीकी रिश्तेदारों में आपस में मारपीट के बाद दोनों ने थाने पर रिपोर्ट पंजीकृत कराई है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर से FIR पंजीकृत कर ली है। मामले की विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनकी तस्दीक की जाएगी।